पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 90% आए हैं, आप तो मुझे बस कॉलेज की फीस दे दीजिए ताकि अगले साल मैं और भी ज्यादा मेहनत कर सकूँ। अरे क्या करेगी तू इतना पढ़ लिख के, आखिर में तुझे चूल्हा ही तो संभालना है। तेरी माँ पढ़ी लिखी है क्या? हमारी समाज में लड़कियां इतना नहीं पढ़ती। अपनी माँ के साथ घर का काम सीख, जाए यहाँ से। पापा मुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए। हाँ हाँ मैं देता हूँ ना बेटा, पर तेरी पिछली परीक्षा में कितने प्रतिशत आए? 55% आए पापा। अरे वाह बेटा, कितनी बढ़िया बात है। और मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो। अरे ये क्या बात हुई, हमारी बेटी के 90% आए हैं और इसके सिर्फ 55, तो आप इसे क्यों शाबाशी दे रहे हो? ये हमारे घर का बेटा है बेटा, बेटियां कोई काम नहीं आने वाली। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आपका बेटा पढ़ेगा तो मेरी बेटी भी पढ़ेगी। चल यार फाइनली मैंने कॉलेज की फीस तो भर दी। कहाँ जा रही है, मेरी भी फीस भरती जा। चल चल यहाँ से। ये लड़के तुझे रोज छेड़ते हैं, तू इनकी शिकायत अपने पापा से क्यों नहीं करती? अरे यार मेरे पापा तो मेरी पढ़ाई के भी खिलाफ है, अगर मैं इनकी शिकायत उनसे कर दूँ ना तो मेरा कॉलेज आना ही बंद करा देंगे और मेरी शादी करा देंगे। अरे विनय बेटा जरा इधर आना, तो ये हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार आके तू चेक कर ले। अरे पापा ये मेरी समझ के बाहर है, मुझसे नहीं होगा, आप किसी और से करवा लीजिए। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। पापा एक बार मैं चेक करूं। पापा इसमें कुल 5,000 रुपयों की भूल आ रही है, देखो। अच्छा अब तू मुझे सिखाएगी, जा अपना काम कर। माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ गरबा खेलने जा रही हूँ। हाँ बेटा जा। 11 बजे तक घर पे वापस आ जाना, अच्छे घर की लड़कियां देर रात तक बाहर नहीं रहती है। पापा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। हाँ बेटा जा और खूब नाचना, मजे करना। हाँ और किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना। अरे ये तू क्या बोल रही है? अगर अच्छे घर की लड़कियां देर रात तक बाहर नहीं रहती तो अच्छे घर के लड़के भी लड़कियों को इज्जत देते हैं, उन्हें छेड़ते नहीं। क्या आप सारे संस्कार अपनी बेटी को ही दोगे, बेटे को नहीं? अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, हमेशा अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी करते हो और बेटा गलत होगा तो भी उसी का पक्ष लेते हो। क्या आपको पता है कि आपकी बेटी को कॉलेज में कोई लड़के छेड़ते हैं, लेकिन वो इसी डर से आपको नहीं बता रही थी कि कहीं उसके साथ फिर से नाइंसाफी ना हो जाए, उसकी पढ़ाई ना छूट जाए। क्या? हाँ इसीलिए मैं अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दे रही हूँ कि वो बाहर जाकर किसी लड़की को छेड़े नहीं, उसे इज्जत से पेश आए। क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? क्या सारी बंदीगश्त लड़कियों पर ही लगानी चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि नजर पुरुष की खराब हो और घूंघट डाले औरत। अगर हर माँ बाप अपने बेटे और बेटी दोनों को समान संस्कार देंगे ना, तभी किसी लड़की को बाहर जाके किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आजादी से जी सकेगी। तो आप ही बताइए क्या विनय को मैंने ऐसा कहकर गलत किया? हाँ सुमन तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कविता को कभी अपना प्यार दिया ही नहीं, मैंने विनय को ही हमेशा हर चीज की छूट दी है। कविता बेटा मुझे प्लीज माफ कर दो, अब से मैं तुझ में और विनय में कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। पापा आप माफी मत मांगिए। और हाँ विनय बेटा तू घर से जब भी बाहर जाएगा लड़कियों से इज्जत से पेश आएगा। जी पापा।